धर्मेंद्र भाई का अभी एक फोन आया कि यार एक बाइकर का एक्सीडेंट हो गया ना, तो इसको अपनी कदर है और साथ में जितनी भी सवारी बैठी है ना किसी की कदर है ये। सो हेलो जी, की हाल चाल सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। एनीवेज भाई लोगों, आज हो चुके हैं 4 तारीख और कल हम पहुंच चुके थे, कल क्या आज ही पहुंचे थे रूपनगर। करीबन 9:30 बजे हमने होटल ले लिया था और भाई सोने के लिए हमारा रूम शिफ्ट किया गया था। पहले कुछ रूम और था और अब रूम कुछ और है। उस रूम का यार एसी ख़राब हो गया था तो ओनर खुद आए थे और उन्होंने हमारा रूम शिफ्ट करवा दिया। और अभी बज रहे हैं भाई 2:12, डेट 4th of June एंड वी आर इन रूपनगर, मतलब रूपनगर के हाईवे पर ही हैं हम, ज़्यादा अंदर नहीं गए थे रूपनगर में। और अभी चल रही है भाई मेरी एडिटिंग, क्योंकि ये व्लॉग मुझे आज पहुंचाना है आप लोगों तक। एनी हाउ आप देख सकते हो यहाँ मेरी एडिटिंग चल रही है अभी, तो खैर फाइल ट्रांसफ़र चल रहा है, देन उसके बाद एडिटिंग होगी, देन उसके बाद फिर अपलोड भी करना पड़ेगा, शायद आज तो नहीं आज बट अपलोड कर दूंगा, बट आएगा आपके लिए 5 तारीख को सुबह, मतलब कि जब ये वाला व्लॉग मैं बना रहा हूँगा तो आपको क्या पता कि व्लॉग कब आएगा, पीछे व्लॉग आएगा। तो ये एडिटिंग करके आज मैं पक्के से अपलोड कर दूंगा, चाहे मुझे 4 क्यों ना बज जाए 4-5। और इसको व्लॉग को अपलोड करने के बाद हम निकल जाएंगे सीधा टू मनाली एंड बहुत मज़ा आ रहा राइड में सीरियसली। और खाना हमने रूम में ही मंगवा लिया है, अभी मैं पी रहा हूँ एक्चुअली चाय, ये अपनी चाय मंगवाई है और पीछे खाना रखा हुआ है, मैं आपको खाना दिखा देता हूँ, अभी पैक है। इसके भी सिनेमैटिक्स अभी डालूंगा जो जो अपन ने मंगवाया है। ये भाई अपना खाना पड़ा हुआ है और ये धर्मेंद्र भी अपने डाटा कॉपी कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे से एडिटिंग नहीं होगी, पता नहीं तो क्या क्या करवा के मानेगा इस राइड पे। तो चलो जी, थोड़ी सी पहले ये स्मूथ प्लेबैक अभी कर रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ अपनी वीडियोस, देन उसके बाद खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मैं बैठूंगा एडिटिंग पे, करीबन 2 घंटे एडिटिंग में चाहिए आफ्टर ऑल, फिर उसके बाद निकल जाएंगे अपन सीधा टूवर्ड्स टू मनाली। हाँ जी, कैसा लगा खाना? खाना शानदार है, चाय शानदार है, होटल भी शानदार है, थोड़ा सा भी बात नहीं। ये सैलेड, रायता, मिक्स वेज, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, नान, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, कुछ कमी तो नहीं रही? हाँ, कुछ कमी तो नहीं रही? ना ना, मतलब ही ठीक हाल ठीक। तो फाइनली अभी हो चुका है निकलने का टाइम और ये था अपना SM रिसोर्ट। इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, सीरियसली बता रहा हूँ। ये आपको पड़ेगा भाई रूपनगर और मनाली हाईवे पर। रूपनगर के लिए जैसे आप मनाली से सीधा आएंगे रूपनगर वाले बाईपास से, तो ये आपको SM रिसोर्ट दिख जाएगा, लेफ्ट एंड पर पड़ेगा, बहुत अच्छा रिसोर्ट है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, खाना पीना काफ़ी अच्छा था। और अब निकलने का टाइम हो चुका है तो धर्मेंद्र भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। ये यहाँ के स्टाफ थे, ये यहाँ के ओनर हैं, सीरियसली बहुत अच्छे बंदे हैं और सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, रूम बहुत नीट एंड क्लीन थे। तो चलो जी अब निकला जाए, धर्मेंद्र भाई रेडी, चलो। तो भाई अनंतपुर साहिब का कट रह चुका है पीछे और अभी अपन जा रहे हैं सीधा अपन अपने डेस्टिनेशन पर। और लास्ट टाइम हम रुके थे इस वाले होटल में ऊपर की तरफ, मैं नरेंद्र भैया जब हम आए थे हयाबूसा से लास्ट टाइम, तो हमने इधर स्टे किया था, बहुत अच्छा लगा था, मतलब होने को कुछ भी नहीं है बट जब फ्रेंड सर्किल अच्छा होना तो सब कुछ होता है यार। और सर्दियों में आए थे बट किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ी थी, रूम्स बहुत ज़्यादा गंदे थे बट हमें तो सिर्फ रात गुजारनी थी, हमने रात गुजारी, खाना खाया और सुबह के टाइम पर निकल गए थे। और अभी भाई यहाँ से मनाली रह गया है 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर जो माइलस्टोन्स बता रहे हैं, बाकी देखो अब कितना टाइम लगता है मुझे लिटरली नहीं पता, शायद से 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। यहाँ से अब हो चुकी है चढ़ाइयाँ चालू, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। बाइक का साउंड जो है भाई वो अलग ही चेंज हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा लोड आ गया वो बाइक के ऊपर, जो पता नहीं 2-4 बाइकों को साथ में खींच के ला रही है क्या बाइक। तो ये लो जी, सुंदरता का नज़ारा हो चुका है स्टार्ट, और ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ, इन्हीं से तो प्यार है भाई, इन्हीं को तो देखने आते हैं इतनी दूर से, इन्हीं के लिए तरस जाते हैं भाई। तो मैं और धर्मेंद्र भी एक्चुअली सेना से इंटरकॉम से कनेक्टेड हैं, तो मुझे जगह मिल जाती है तो मैं धर्मेंद्र भैया को बता देता हूँ कि आप निकल सकते हो, आ जाओ।
बस थोड़ी मौसम लेट बनाती है बेचारी, बाकी तो मना नहीं करती। लो टॉर्क इसका बहुत अच्छा है, हाई टॉर्क बेकार। बट फिर भी BS4 का जो मैंने फुल सिस्टम लगाया, जो बैंड पाइप लगाया है, उससे सच में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले तो मेरी बाइक बिल्कुल पिकअप नहीं बनाती थी, अब स्टिल थोड़ा बहुत तो कर रही है, ज़्यादा नहीं बट 5% तो इम्प्रूवमेंट है। बाकी अभी जितना कार्बन जमता जाएगा उतना ही इसका मज़ा बढ़ता जाएगा। भाई यहाँ हमें रुकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पानी की बोतल लेनी है, बहुत प्यास लगी है, और साथ में सोच रहे हैं कि एक आधा चाय भी पी लें। सो एक लिया था छोटा सा ब्रेक चाय का, आशु टूरिस्ट ढाबा, और अभी अपन रूपनगर से चल के आए हैं 50 किलोमीटर के अराउंड, और अभी मनाली रहता है यहाँ से भाई करीबन 200 किलोमीटर, तो होप सो कि अपन रात 12 बजे से पहले पहले पहुँच जाएँ। तो चलो अब चाय पी लिए, अब एक डेढ़ घंटे बाद ही एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, तो चलो जी निकला जाए। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, पहाड़ों की जो चाय होती है ना वो बहुत अमेजिंग होती है। मतलब पता नहीं क्या टेस्ट होता है, पता नहीं दूध का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है, बट चाय बहुत अमेजिंग होती है यार। खाना पीना सब यहाँ बहुत अमेजिंग होता है यार। और लिटरली यार पहाड़ों पे बाइक चलाना ना अनदर लेवल, प्यार है प्यार भाई। ये जो यहाँ के लोकल ड्राइवर है ना, ये खास करके 4 Strecks वाला, ना तो इसको अपनी कदर है और साथ में जितनी भी सवारी बैठी है ना किसी की कदर है। ये इसकी ड्राइविंग देखो ज़रा आप, ये देखो इतने गंदे कट्स ले रहा है भाई। कम से कम आपको अपने नहीं है तो कम से कम दूसरे का तो ख्याल रखो यार। ये देखो ये बंदा कितनी गंदी गाड़ी चला रहा है, इसकी ड्राइविंग जो है बहुत ज़्यादा गंदी है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये देखो ये देखो, बस इसको जगह मिलनी चाहिए, ऐसे ऐसे कट मार रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक है जिसकी कोई हद नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मान लो क्रॉस करना पड़ रहा है, और गड्ढे इतने ज़्यादा हैं। पहले तो मुझे लग रहा था मेरा हैंडल लूज़ है, बट स्टिल मेरा लूज़ है, मेरे को पता है, कंफर्म है। बट अभी धर्मेंद्र भी बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा हैंडल भी लूज़ हो गया, क्योंकि इस रोड पे ना भाई रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरी हल्का हल्का बैक में होना स्टार्ट हो गया पेन, तो मैं खड़े होकर बाइक चला रहा हूँ थोड़ा सा। और ये सुंदरता, वो तो रात हो गई, नहीं तो सुंदरता तो बहुत है भाई इधर। अभी भी यहाँ से मनाली रह गया यार 160 किलोमीटर के अराउंड, क्योंकि ट्रैफिक इतना है कि कवर कम हो रहा है, गड्ढे ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग। बट देखो कब तक पहुँचते हैं, टाइम तो हमने सोचा हुआ है कि 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे, 12 बजे से पहले ही पहुँच जाएंगे। कुछ ये ट्रैफिक, कुछ ये गंदा रोड, दोनों मिलके कर रहे हैं बाइक की स्पीड डेड। सर आप जाइए, तो नाउ वी आर एंटर्ड इन बिलासपुर सिटी। और भाई जब से चाय पी है ना शायद एक डेढ़ घंटा हो गया, और तब से लेके और अब तक सिर्फ और सिर्फ भाई 40 किलोमीटर चले अब। रोडों पे मतलब किलोमीटर निकालना ना बहुत टेढ़ी चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा टेढ़ी चीज़ है। और सीरियसली बताऊँ तो भाई बैक है ना पेन करने लग गई है, बिकॉज ऑफ ये टर्न 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 टर्न, ऊपर से ट्रैफिक, फिर ये ऊपर से रोड ख़राब। बट कोई दिक्कत नहीं है जी, पहुंचना तो है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो सब काम करने पड़ेंगे। थोड़ा पेट भी दुखेगी तो थोड़ा सर भी दुखेगा। एनीवेज भाई लोगों, अब यहाँ बिलासपुर पे एक बार रोक के पानी की बोतल ली जाए। ओहो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 96 किलोमीटर चले हैं होटल से, जहाँ होटल में हमने स्टे किया था, और वहाँ से चले हुए हमें शायद हो गए अभी तक 3 घंटे, और 3 घंटे में भाई सिर्फ 100 किलोमीटर कवर हुआ है। तो आप लगा सकते हो पहाड़ों पे कितना टाइम लगता है, और अभी भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं तो हमें 3 से 4 घंटे और लगेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ से 160 किलोमीटर के अराउंड है मनाली। जब राइडर्स लोग मिल जाते हैं ना भाई, तो लिटरली टाइम का पता ही लगता क्या हो जाता है। और टाइम हो चुका है भाई 10:50, जबकि हम 1 घंटे से फ्री हो चुके थे। ये भाई लोग आए हुए हैं लखनऊ से, और इनको मैं ज़रा रूट मैप बता रहा था, इनके पास टाइम तो बता रहा था बट इनको रूट नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना, तो इनको रूट मैप मैंने बता दिया है। और ये अभी कुल्लू तक तो हमारे साथ जा रहे हैं,
बाकी हम लोग आगे निकल जाएंगे मनाली की तरफ और ये लोग जाएंगे कसौल की तरफ। और पहाड़ों में रात में 11 बजे आराम से बाइक चलाते हुए बेझिझक मज़े मारते हुए और क्या चाहिए लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ सीरियसली। तो ये है भाई अपना सुंदर नगर और इसको जो बोलते हैं द हार्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल का दिल है भाई ये द हार्ट ऑफ हिमाचल। और यहाँ हम बस अब पेट्रोल रिफ्यूल कराएंगे बिकॉज कुछ नहीं पता कब कहाँ पेट्रोल पंप ना मिले और हमारा टैंक होने को तो अभी हाफ टैंक है बट स्टिल हम फुल करवा लेंगे क्योंकि रात में यार रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि कुछ नहीं पता फिर पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। तो ये आ चुके हैं भाई कुल्लू वाली टनल और यहाँ से अभी कुल्लू होगा करीबन 25 या आई मीन 35 या 40 किलोमीटर और टोटल अगर मनाली की बात की जाए तो अभी भी मनाली बसता है भाई 75 किलोमीटर। आज मनाली बहुत लंबा पड़ गया सीरियसली बता रहा हूँ, इतना लंबा कि पूछो मत, इतना लंबा मनाली पड़ गया भाई। ये जो गड्ढे रोड बन रहे हैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है मनाली में शायद से रेलवे का पता नहीं या फिर फ्लाईओवर्स क्योंकि पीछे में बहुत कुछ बन रहा था अंधेरा बहुत था और रात के टाइम पे समझ नहीं आ रहा क्या दिखाऊं आप लोगों को क्या ना दिखाऊं। यहाँ तो भाई हायाबुसा होती ना मज़ा आ जाता सच बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली धर्मेंद्र भैया से करीबन 3-4 किलोमीटर आगे था और धर्मेंद्र भैया का भी एक फ़ोन आया कि यार एक बाइकर का एक्सीडेंट हो गया पता नहीं इसको क्या हो गया है तो तू वापस आ। मैं अभी बस भैया के पास वापस जा रहा हूँ, पता नहीं यार कौन होगा कैसा होगा बेचारा यार भगवान करे ठीक हो। तो धर्मेंद्र भी आ गए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ, धर्मेंद्र भैया का फ़ोन आया यार एक बार आ जा। तो वापस जा रहे हैं यार, देखो एक एज अ बाइकर कोई भी हो यार एज अ नॉट बाइकर अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो यार। अब मैं वापस जा रहा हूँ, देखता हूँ अपन कित क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। बट धर्मेंद्र भी आ गए हैं और शायद वो मुझे धर्मेंद्र भी दिख भी रहे हैं वहाँ पर। बस भगवान करे यार उसका सब कुछ ठीक हो यार। कौन है नहीं नहीं बंद कर दे। ये जो एक्सीडेंट हुआ था भाई ये था एक्चुअली लोकल थे इधर यहीं के थे और बाइक इनकी KTM RC थी बट एक भाई ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ भैया आप यूट्यूबर हो हम समझ गए आपके GoPro वगैरह लगे हुए हैं सो प्लीज़ हमारे फेस वगैरह नहीं आना चाहिए और मतलब कुछ भी हो आप करो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मना किया भाई कोई दिक्कत नहीं है हम ऐसे बड़े यूट्यूबर नहीं है और हमें वैसे कोई कंटेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है तुम सेफ हो ना तो बस ठीक है हो जाती है भाई मिस हैपनिंग। बट यही रिक्वेस्ट करूँगा सेफ चलो यार सेफ रहो अच्छे से चलो यार क्या दिक्कत आ रही है आराम से मतलब घर पहुंचो अपना एंजॉय करो कोई दिक्कत नहीं है भाई घर बैठ के करो ना कि रोडों पे करो। अब बस भगवान की कृपा थी वो बच गया वो सही है सब कुछ थोड़ी बहुत खुर्चा खुर्ची मतलब वही चलो भगवान ठीक रखे सबको। एनीवेज भाई लोगों कुल्लू रह गया यहाँ से 10 किलोमीटर और करीबन 50 किलोमीटर प्लस अभी रह गया 60 किलोमीटर ही मान लो भाई 50-1 किलोमीटर रह गया अपना मनाली जो डेस्टिनेशन है। बाइक चल चुकी है भाई 217 किलोमीटर आज और आज की जो 217 किलोमीटर हैं ये सच में बहुत भारी पड़े हैं भाई बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं। हेलो जी कैसे हैं आप सब लोग। और भाई रात को इतना टायर्ड हो चुका था कि
नींद तो क्या कर, 2:30 बजे हम मनाली से 10 किलोमीटर पहले हमने होटल लिया है। होटल का नाम है डैगलिस और ये मनाली से एग्जैक्ट 11 किलोमीटर पहले है। रूम्स सब जगह फुल चल रहे हैं। मनाली में भाई 5,000-5,000 रुपये में भी रूम अवेलेबल नहीं है। मैं तो सिर्फ नॉर्मल रुका था, सोचा यार कहीं ना कहीं पता कर लेता हूँ स्टे का, तो यहाँ आके पता किया तो भाई 3-4 पास में है। मैं आपको जब निकलेंगे यहाँ से तब मैं आपको दिखाऊँगा। 3-4 पास में होटल्स हैं, रूम्स अवेलेबल और ये गेस्ट हाउस टाइप में बने हुए, सब पे रूम फुल। मैंने एक जगह जानकारी की थी, भैया रूम कहाँ और कितने तक का मिल जाएगा, कह रहा भैया अब पीक टाइम चल रहा है, 4,000-5,000 में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानना कि आपको रूम मिल जाए, ठीक है। सो बाई लक मेरी लास्ट होटल रह रहा था, फिर मैंने कहा चलो भैया एक बार मैं इसमें ट्राई करके आता हूँ। फिर मैं इसमें ट्राई करने आया, 3rd फ्लोर पर एक लास्ट रूम अवेलेबल था, साथ में एक और आदमी खड़ा हुआ था नीचे कि उसको भी रूम चाहिए था, तो मैंने कहा भैया रूम दिखा दो। मैं और वो रूम देखने आए, होटल वाला और साथ में वो पार्टी भी। तो भाई मैंने तो रूम देखते ही पसंद कर दिया, मैंने भाई रुकना है रात में, नींद आ रही है अब तो कुछ कर नहीं सकते। भाई आते ही ना सीधे मैंने अपने राइडिंग गियर्स फेंके यहाँ पर और मैं नंगे पैर चला गया धर्मेंद्र भैया को लेने के लिए। धर्मेंद्र भैया और बाइक नेक्स्ट वाले एक होटल पर खड़ी हुई थी, फिर वहाँ से हम भागे भागे वापस आए और मैंने अपने कपड़े वपड़े उतार के सही से रखे, टैंक बैग रखा, और रात को इतना टायर्ड हो गया था कि भाई पूछो मत हाल खराब, सिर्फ ऑयलिंग की और सो गया। एनीवेज भाई लोगों, व्लॉग सबको कैसे लग रहे हैं मुझे बताना ज़रूर, पूरी मेहनत कर रहा है आपका भाई आपके लिए। बट स्टिल इस वाले व्लॉग में रात को इसलिए कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो चुका था, व्यूज़ कुछ दिख नहीं रहे थे और इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। बट स्टिल अब कैमरा बंद नहीं होगा, जितना हो सकेगा आपके लिए नई नई चीज़ें कैप्चर करके दूंगा, नई नई वीडियोस में चीज़ें आने वाली हैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग। तो ये व्लॉग आपको शायद अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जो भी भाई मेरा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लेना, जब भी मेरी कोई नया व्लॉग आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।